महिलाओं के प्रति बाबा साहब का योगदान। बाबा साहब ने न केवल पुरुषों व दलितों बल्कि महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ा योगदान की घोषणा भी की थी। भारतीय नारी को कई जगहों पर अधिकार नहीं थे। वह जिस भी पुरुष से विवाह करती थी उसे उसी के साथ आजीवन काल बिताना होता था, चाहे वो पति कैसा भी हो, उसे मारता हो, पीटता हो या कैसा भी हो। भारतीय नारी को इन सब पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया तो समस्त रूढ़िवादी हिंदू जगत बौखला उठा। कहा गया कि हिंदू कोड बिल हिंदू परंपराओं और रीति रिवाजों को समाप्त कर देगा, इससे हिंदू समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा साहब ने मधुमेह से पीड़ित होते हुए भी प्रतिद्वंदियों से पर्याप्त जवाब दिया। खराब सेहत के बावजूद कठोर परिश्रम करके भिन्न भिन्न ग्रंथों में से प्रमाण इकट्ठे किए। बाबा साहब ने इन बिलों के प्रति हिंदुओं की अर्धश्रमिता देखते हुए दिसंबर 1951 को कानून मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, परंतु बाद में यही बिल अगली लोकसभा के पारित किया गया। इस प्रकार बाबा साहब ने भारतीय नारी को संपत्ति का अधिकार दिलाया, तलाक का अधिकार दिलवाया, पुनः विवाह का अधिकार दिलवाया व विधवा को भी विवाह का अधिकार दिलवाया, किसी भी बालक को गोद लेने की व्यवस्था भी बनवाई। इन अधिकारों के लिए भारतीय नारी बाबा साहब की सदा ऋणी रहेगी। अब तक तो ब्राह्मणों ने शूद्रों व दूसरे वर्गों के लिए धर्म शास्त्रों में कानून बनाए जिससे हिंदू समाज टुकड़े टुकड़े हुआ और सदानाश हुआ। अब एक अछूत नेता ने ऐसे कानून बनाए जो समूचे हिंदुओं को एक समाज और कानूनी सूत्र में बांधते हैं और उससे किसी भी वर्ग के हिंदुओं को हानि नहीं पहुंचेगी। हिंदुओं के इतिहास में पहली बार पर्सनल लॉ बनाया गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।